आज मैं आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसका मैं डेरिवेशन आपको बहुत ही इजी वे में करके बताऊंगी। और ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये क्लास नाइन्थ की साइंस की एनसीईआरटी बुक है, उससे लिया गया है। ठीक है, तो देखिए कैसे ये डेरिवेशन इसका होगा। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है, तो इसको डिराइव करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इन्हीं दोनों का यूज यहां पर किया गया। तो सबसे पहले मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देती हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, यही है वी इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, और थर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो हमारा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन की हेल्प लेनी यहां पर पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें वी यू ए एस और टी क्या है। ठीक है, तो जो वी है इसको कहेंगे हम इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, ये है हमारा वी जो है इसमें, ये है फाइनल वेलोसिटी। यू जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एस जो है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ए जो है वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, और टी जो है वो है टाइम टेकन। ठीक है, तो इसमें जितने भी ये दिए गए हैं, ये वी यू, ये इसका मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया। वी होता है फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम टेकन। ठीक है, तो ये हम जान गए कि वी यू ए टी क्या होता है। अब देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हमें प्रूफ ये करना है, ये लेकर आना है। तो इसके लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर ध्यान दीजिए। तो मैं यहां लिख देती हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहां से इसमें हमें क्या करना है, हमें केवल t चाहिए, यहां पर हमें t की वैल्यू चाहिए। इस t की वैल्यू हम इसी में से लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, आप ये a और t जो टर्म है इसको यहीं पर रहने दीजिए और इस u को आप इक्वल टू की इधर साइड लेकर आइए। तो ये देखिए, ये इसका साइन क्या, ये पॉजिटिव है, ये इधर साइड आएगा v के साइड में। तो ये पॉजिटिव साइन जब इधर आएगा, पॉजिटिव u है इधर साइड आएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू की इधर साइड आप कोई भी चीज लेकर जाते हैं, अगर उसका साइन पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर वो निगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया v माइनस यू इक्वल टू ए और टी। ठीक है, ये तो हम इधर लेकर आ गए, तो यहां क्या बचेगा, ए टी बचेगा। ठीक है, अब याद है कि ए और टी के बीच में क्या है, कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन ही तो है इन दोनों के बीच में। ठीक है, हमें चाहिए टी। ठीक है ना, क्या चाहिए, टी। तो ए इसके साथ इंटू में है। अब हम ए को यहां से हटाएंगे तो कैसे, इस ए को हम इधर साइड लेकर आएंगे, इक्वल टू इधर साइड। ठीक है, वी माइनस यू की साइड। तो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली चीज अगर इक्वल टू इधर आएगी तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई वाला टर्म इक्वल टू इधर साइड डिवाइड में चलाता है, यानी कि ये हो जाएगा इस तरीके से। ये जो ए है इधर साइड लेकर आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी माइनस यू ए डिवाइड में चला जाएगा इक्वल टू टी। तो आपने देखा कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से हम t की वैल्यू ये लेकर आए हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, इक्वल टू में t मैंने पहले लिख दिया, इसको यहां बाद में लिख दिया, तो ये t की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने t की वैल्यू लेकर आ गए। तो अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन से जो हम t की वैल्यू लेकर आए हैं, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में जो भी t दिख रहा है ना उसकी जगह हम पुट करेंगे t की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यही ना, s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, और a एक्सेलरेशन है। तो हम t की वैल्यू किस में से लेकर आए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब उस t की वैल्यू को ये आई है, अब मैं यहां पे लिख देती हूं, मैं इसको इक्वेशन मान लेती हूं a, कैपिटल a। ठीक है, इसको मैं कैपिटल a इक्वेशन नाम देती हूं। तो मैं यहां पे लिख देती हूं पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन a। इक्वेशन a क्या है, देखिए ये हम ये t की वैल्यू किसे पुट करेंगे, इक्वेशन a में, इक्वेशन a हमारी क्या है, ये है, देखिए ये है,
लिख दिया। तो चलिए टी की वैल्यू पुट कर, टी की वैल्यू हमारी क्या आई हुई है, टी की वैल्यू देखिए हमारी क्या आई हुई है, वी माइनस यू अपॉन ए। तो चलिए ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं इस टी की जगह। तो देखिए यहाँ लिखिए एस इक्वल टू यू, और देखिए इन दोनों के बीच में इनटू का साइन है, यहाँ पर भी देखिए इनटू का साइन है इन सब के बीच में, ठीक है। तो यू और ये टी है, तो इस टी की जगह हम क्या लिखेंगे, तो ये देखिए ये टी की वैल्यू है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर ये लिखाएगा, तो वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। इस टी की जगह यहां पे मैंने ये लिख दिया प्लस हाफ ए, और ये है टी स्क्वायर, यहां देखिए ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर है। पहले टी की वैल्यू क्या है वो लिख दीजिए, यहां पर टी की वैल्यू क्या है, वी माइनस यू अपॉन ए, इसलिए क्योंकि देखिए यहां पर तीन वेरिएबल्स है ना, बीच में माइनस, इसलिए इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इस इक्वेशन में जब भी आप टी की वैल्यू लिखेंगे उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने, अब देखिए ये तो केवल टी की वैल्यू है ना, ये यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो टी स्क्वायर क्या होगा, ये जो टी की वैल्यू है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हुआ ना, टी स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू करके, और क्योंकि इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है फिर आप यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए एस इक्वल टू यहाँ पर हम क्या, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं यू, ये ब्रैकेट में है ना पूरा, तो अलग अलग ब्रैकेट करते हैं, चलिए इसको हम अलग ब्रैकेट में कर देते हैं वी माइनस यू को, और ये ए बिना ब्रैकेट के ऐसे लिख सकते हैं ना, यू और इसको ब्रैकेट में कर दिया और ए यहां पर है नीचे, ठीक है, प्लस हाफ ए, यहां पर देखिए बी, ये पूरे में स्क्वायर लगा, इसका मतलब ये है कि वी माइनस यू इसका भी स्क्वायर है अपॉन ए, ए का भी स्क्वायर, यही ना मतलब है, जैसे ये पूरे ब्रैकेट में होल ब्रैकेट में स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब है कि ये सब स्क्वायर में होगा, तो मैंने न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वी माइनस यू उसको ब्रैकेट लगा के अलग से स्क्वायर लगा दिया, और ए का भी स्क्वायर होगा क्योंकि पूरे में स्क्वायर लगा है, तो ऊपर में न्यूमरेटर भी स्क्वायर में होगा और डिनोमिनेटर भी स्क्वायर में होगा, तो यहां ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, एस इक्वल टू ये देखिए यहां पर इनटू का साइन है तो पता ही है आपको, यहां पर भी इनटू का साइन है, सबके बीच में इनटू का साइन है, तो देखिए ये यू है और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, वी माइनस यू, यानी कि यू और इस ब्रैकेट वाले टर्म और ये यू के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यू जो है इससे भी इनटू होगा और यू इससे भी इनटू होगा, होगा ना, यू से ये दोनों इनटू होगा, तो यू को जब वी से इनटू करेंगे तो ये तो यू और वी होगा, यू वी, यू यू और वी इनटू करेंगे तो यू वी आएगा, फिर क्या माइनस, अब देखिए ये u है और ये u है, दो बार u आ रहा है, u इंटू यू क्या होगा, u स्क्वायर ही तो होगा, अपने मैथ्स में आप पढ़ेंगे अभी नाइन्थ में एक्सपोनेंट में, x इंटू एक्स क्या होता है भाई, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ही तो होता है, दो बार x है ना, तो यहाँ पावर क्या होता है इसका, वन माना जाता है, तो पावर एड होके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x इंटू एक्स की जगह क्या है भाई, u इंटू यू है, तो u इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन a, ठीक है, डिनोमीटर में a है, इसको लिख दिया हमने यहाँ पर, प्लस हाफ और a, ठीक है, आप यहां इंटू नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें v माइनस यू का होल स्क्वायर है, क्या लिखा हुआ है, v माइनस यू का होल स्क्वायर, मैं यहां इसको इतना मैं समझाती हूँ, v माइनस यू का होल स्क्वायर, मैं इतना यहां पर इसको ओपन करना, देखिए यहां पर किसका फॉर्मूला बनना है, a माइनस v का होल स्क्वायर, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है ना, ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपने इसका याद किया होगा नाइन्थ में, क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये मेन फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है ना, फैक्टराइजेशन आपने किया होगा ना, ये फॉर्मूला है, बिल्कुल इसी फॉर्मूले में ये है, फॉर्मेट में है v माइनस यू, ये v की जगह क्या है, a है, u की जगह b है, यही तो है ना, इसी फॉर्मेट में दिख रहा है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ये बोल रहा है ए स्क्वायर, तो a हमारा क्या है, v है, तो ए स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर, फिर माइनस ये है टू ए बी, तो टू ए की जगह क्या है, यहाँ पर v है और b की जगह क्या है, u है, टू वी यू, प्लस ये देखिए प्लस है, प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह क्या है भाई, u है, b की जगह क्या है, u, तो स्क्वायर लगा दीजिए, हाँ मैं बता देती हूँ, a की जगह क्या है, v है और b की जगह क्या है, u है, तो ये मेन फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर v है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू ए बी, तो टू लिख दिया, a की वैल्यू क्या है, v, और b की वैल्यू क्या है, u, तो टू ए बी यानी कि टू वी यू, फिर ये प्लस बी स्क्वायर है, तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी यू है, तो u का स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये जो v माइनस यू का होल स्क्वायर है ना, ये इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए v माइनस यू का होल स्क्वायर किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां पर लिखा हुआ है, हाँ यहां देखिए ये v माइनस यू का होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये इसके बराबर, ये है इसके बराबर, तो लिख दीजिए यहां पर, इसकी जगह हम लिखेंगे वी स्क्वायर
देखिए ये पूरी टर्म आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना, ये ए के बाद जो है ना, ए ए है, ए के बाद इसकी वैल्यू आप लिख रहे हैं ना, तो इसे ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। वी स्क्वायर फिर क्या है, माइनस 2VU, फिर क्या है प्लस यू स्क्वायर, प्लस यू स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया, हाफ हाफ लिख दिया, ए लिख दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया, वी माइनस यू का होल स्क्वायर, वो क्या आया वी स्क्वायर माइनस 2VU प्लस यू स्क्वायर है। तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये भी ब्रैकेट के अंदर ही इसको लिखिएगा, इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखना है क्योंकि देखिए यहां पर ए इंटू में, इसलिए ये ब्रैकेट के अंदर ही पूरा लिखेंगे, ठीक है। अपॉन ये क्या है ए स्क्वायर है, ये क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो है इसको ए स्क्वायर यानी कि हम ए को दो बार लिखेंगे, यही इसका मतलब है ना। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए को तो ए स्क्वायर बोलते हैं, तो इस ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो ए स्क्वायर है ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये ए और एक ए, क्योंकि ये सब इंटू में है तो ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखिए एस एस इक्वल टू, ये है यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, फिर प्लस ये ए और ए कैंसिल हो गया, तो देखिए न्यूमिनेटर में क्या बच रहा है, ये ए तो कट गया तो न्यूमिनेटर में ये टर्म बच रही है, तो लिखिए वी स्क्वायर माइनस 2VU प्लस यू स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से देखिए ये ए तो कैंसिल हो गया ना, तो ऊपर तक केवल यही टर्म बच रही है, तो यहां लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा नीचे ये ए कट गया है, बच क्या रहा है डिनोमीटर में, 2 बच रहा है और एक ए बच रहा है, तो यहां पे 2A लिख दीजिए, लिख दिए यहां पर आपने, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे यहां पर, अब हम लेंगे एलसीएम इसका और इसका, तो देखिए ए और 2A का एलसीएम क्या होगा, मैं चलिए बता ही देती हूँ यहां पर करके। देखिए ये इसका जो आप एलसीएम लेंगे ये होगा ए वन जा ए और ए टू जा टू ए, यही तो होगा। फिर ये देखिए टू आ रहा है तो टू के टेबल हो जाएगा, आप किसी भी चीज का तो टेबल बना ही सकते हैं ना, तो ये ए और टू ए, तो ए का टेबल है तो ए वन जा ए और ए टू जा टू ए, फिर टू ये टू यहाँ पर आ रहा है तो टू टू का जाएगा। तो देखिए एलसीएम लेने पर क्या आ रहा है, टू और ए, यानी कि ये ए टू इंटू ए, ये टू इंटू ए यानी कि टू ए, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे ए और टू ए का तो क्या आएगा टू ए, ठीक है। यह है आगे डिनोमीटर में इसका स्केल से मेरे पर 2a है। अब देखिए ए के टेबल में 2a कब आएगा, तो ए के टेबल में 2a 2 ही टाइम्स आएगा, तो 2 से ये पूरा टर्म इंटू करेंगे, ये पूरा टर्म, तो क्योंकि यहां पर दो टर्म है अभी जो माइनस है, इसलिए यहां ध्यान दीजिएगा ये टर्म आप ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। समझ में आ गया आपको, ए के टेबल में 2a कब आएगा, 2 टाइम्स, तो 2 से ये पूरी टर्म इंटू होगी, तो ये इंटू में जब भी आप ये इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, हो गया। फिर प्लस अच्छा 2a के टेबल में 2a तो 1 टाइम्स आएगा, 1 ही टाइम्स तो आएगा ना, तो 1 टाइम्स से 1 से कोई भी चीज इंटू होता है तो उतना ही रहता ही है, उतना ही रहता है, ठीक है। 2VU प्लस यू का मतलब ये पूरा टर्म 1 से इंटू होने पर तो इतना ही आएगा, तो इसको ब्रैकेट से नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए 2 है या इंटू है, यानी कि 2 के 2 जो है इस 2 और ये ब्रैकेट इन दोनों के बीच में इंटू है, यानी कि 2 से ये भी इंटू होगा, ये भी होगा, तो 2 से पहले इसको इंटू कीजिए, तो 2 को UV से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2UV, यही तो होगा ना 2UV माइनस 2 को यू स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 2U स्क्वायर, यही होगा, यहाँ पर ऐसे लिखते जाइए। फिर प्लस ये प्लस देखिए 2 से ये दोनों इंटू करके मैंने ये लिख दिया, अब ये प्लस लगा दीजिए और ये जैसे लिखा हुआ उसको लिखते जाइए, ठीक है। ये हो गया अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका साइन क्या है, ये तो पॉजिटिव है तो हम सभी जानते हैं, ये प्लस 2UV है, ये 2VU दोनों सेम ही है ना, ये टर्म सेम है ना, आप यूवी बोलिए चाहे वीयू बोलिए, इन तीनों के बीच में क्या साइन है भाई, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये टर्म बिल्कुल सेम हुई कि नहीं, 2UV बोलिए चाहे 2VU बोलिए, मैं यहाँ फिर भी समझा देती हूँ आपको, 2UV बोलिए चाहे 2VU बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो ये प्लस है और ये माइनस है तो सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना कैंसिल। अब देखिए यहां पर एस इक्वल टू, यहां पे देखिए ये क्या बच रहा है माइनस 2U स्क्वायर प्लस ये क्या है वी स्क्वायर और ये क्या है प्लस ये क्या है यू स्क्वायर, जो बच रहा है ये बच रहा है मैंने यहां लिख दिया अपॉन 2A, ये आया हमारे पास। अब देखिए हम क्या करेंगे यहां पर ध्यान दीजिए, ये यू स्क्वायर ये टर्म देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये यू स्क्वायर है, इसको हम मान लेते हैं 1, इसका कोफिशियंट 1 तो किसी में भी इंटू हो सकता है ना, ये क्या है 1U² भाई, 1 इंटू तो सभी में रहता है ना, 1 तो सभी में इंटू रहता है, तो 1U² है और ये माइनस 2U² है, तो प्लस क्योंकि यू स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है, तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि आप 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पहले यहाँ पे लिख दीजिए एस इक्वल टू, ये माइनस है और ये प्लस है इसका साइन, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 गया क्या बचा 1 बचा 1, ठीक है, और यू स्क्वायर
लिख दिया ना, टू यू स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो टू में से वन गया, क्या बचा, वन बचा, वन यू स्क्वायर। और क्योंकि देखिए बड़ा क्या है इसमें, ये टू बड़ा है ना, टू बड़ा इसका साइन क्या है, जो बड़ा होता है उसका साइन लगाएंगे, ये हो गया प्लस, और ये क्या है हमारा वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर यहां लिख दीजिए अपॉन टू ए, ठीक है। तो एस स्क्वायर टू, देखिए ये वन लिखने की अब जरूरत नहीं है, आप बिना वन के लिखिए इसको, ठीक है। तो यहां से वन मैंने हटा दिया है, ठीक है, वन से इसको इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा, तो ये यू स्क्वायर हो गया प्लस, इनके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है, फिर प्लस वी स्क्वायर, ये आ गया अपॉन टू ए, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमें यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या प्रूफ करना है, हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, ऐसे हमें यही प्रूफ करके दिखाना था। देखिए आ तो गया यहाँ पर हमारा ये टर्म आ गया, अब देखिए इसको हम अपॉन वन कर सकते हैं, इसको अपॉन वन तो कर ही सकते हैं ना। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी क्रॉस एस जो है इससे इंटू होगा, तो एस इंटू टू ए, अब यहाँ पे क्या है इक्वल टू, ये इससे इंटू हो गया, लिख दे फिर इक्वल टू, फिर वन से ये पूरी टर्म, ये देखिए माइनस यहाँ पर, वन से ये इंटू करेंगे पूरी टर्म, तो वन से इंटू करने पर तो ये इतना ही आएगा, वन से कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कीजिए तो सेम ही नंबर आता है, तो ये इतना आ गया। अब देखिए एस इंटू टू एस, दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, इंटू कीजिए तो टू ए एस ही तो होगा ना, इक्वल टू ये क्या है माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो माइनस यू स्क्वायर है, इस माइनस को जब हम इधर साइड लेकर आएंगे, मतलब कि हम ये टर्म उठा करके इधर लेकर आएंगे एलएचएस साइड में, ये एलएचएस या आरएचएस, ये वाली टर्म उठाकर इक्वल टू किधर लेकर आएंगे, क्योंकि इसका साइन निगेटिव है, निगेटिव वाली चीज इधर आएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है, ये माइनस है ना, माइनस वाली चीज यहां आएगी टर्म, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इक्वल टू और ये क्या है वी स्क्वायर, हम इसको इधर लेकर आए हैं तो ये यहां पर बचा रहेगा, तो इसको यहां पर हमने लिख दिया, तो और ये इक्वल टू में है तो वी स्क्वायर पहले लिख दीजिए इक्वल टू, अब इसको सेट कर दीजिए आप, इसको अरेंज कर दीजिए, आ तो गया हमारा प्रूफ हो गया, तो वी स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, इसको अरेंज कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया, हमने यहाँ पे इसको डिराइव कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा।